नमस्कार, धर्मज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता और मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, जो हमेशा धर्मज्ञान पर राशि अनुसार वार्षिक राशिफल बताते हैं, साप्ताहिक राशिफल बताते हैं और आज बताने जा रहे हैं कि गुरु बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन से 12 की 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और आज हम बात करेंगे मकर राशि की। जी हाँ, 5 नवंबर से गुरु बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, सीधा वृश्चिक से धनु में प्रवेश कर रहे हैं और उनका ये जो प्रवेश दौरान होगा, जो प्रवेश करेंगे, ये 29 मार्च तक रहेगा। ऐसे में गुरु बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन के दौरान हर पहलुओं पर जानेंगे कि उनका प्रभाव कैसा रहेगा, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या कहती है ग्रहों की चाल। शुक्रिया कविता और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और दर्शकों को बता दें हम कि धनु राशि के बाद आज बारी मकर राशि की आ गई है और मकर राशि पर इस समय क्या संकट चल रहा है कुंडली में, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे पास बहुत से कॉल्स भी आती हैं, लोग हमारे से मिलने आते हैं, तो मकर राशि वाले लोग इस समय कविता बहुत ज़्यादा परेशान है। उसका कारण क्या है कि उनकी शनि की 7.5 इस समय चल रही है, शनि 12वें घर में चले गए हैं, लग्नेश होकर धन का स्वामी होकर 12वें घर में चले गए हैं, तो आर्थिक स्थिति में संकट कर रहे हैं। और इस समय तो शनि, केतु और गुरु तीन इकट्ठे ग्रह इनके 12वें भाव में चलेंगे, तो मकर राशि के लिए थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है। बताएंगे आपको आज कैसे इस परेशानी से आप निकलेंगे, क्या आपको उपाय करने चाहिए और कैसा समय आपका रहेगा 29 मार्च 2020 तक, क्योंकि गुरु राशि परिवर्तन करके 5 नवंबर को धनु राशि में जा रहे हैं। यानी गुरु अभी तक आपके लाभ भाव में बैठे हुए थे, आपको काफ़ी लाभ दिया इन्होंने पिछले दिनों, फ़ायदा भी हुआ, लेकिन अब खर्च के घर में गुरु जा रहे हैं, तो गुरु क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी कुंडली देख लेते हैं मकर लगन वालों की। इस समय देखिए लगन से लेके 2nd, 3rd, 4th, 5th तक कोई ग्रह नहीं है। छठे भाव में इनके इस समय राहु दिखा रहे हैं, सप्तम खाली है, अष्टम खाली है, नवम में मंगल है, दशम स्थान में सूर्य बैठे हैं, 11वें भाव में शुक्र बुध और 12वें घर में जैसे हमने पहले बताया शनि केतु और गुरु, एक त्रिग्रही योग है। तीन ग्रह जब भी एक भाव में आते हैं तो वो या तो बहुत अच्छा फल देते हैं या फिर बहुत ही बुरा रिजल्ट मिलता है, ये अक्सर हमने देखा है। तो ये है मकर राशि की ग्रहों की स्थिति। चलिए, ये तो आपने जान लिया कि आपकी राशि के ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है और अब बारी आती है स्वास्थ्य की। जी हाँ, गुरु बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन करने से आपके स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए भी जानते हैं। देखिए गुरुदेव जो बृहस्पति 12वें घर में चले गए हैं और यहाँ पर गुरु का जाना जो है स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ठीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि पहले से लग्नेश शनि और केतु वहाँ भी मौजूद हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको इस समय बढ़ सकती है। तो आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस समय बीमार है तो उसको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, और जो स्वस्थ हैं व्यक्ति उनको भी अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए कि किसी तरह की कोई परेशानी इनको ना आए। छोटी मोटी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसका तुरंत इलाज कराना चाहिए, लापरवाही करना इस समय भारी पड़ेगा आपको मकर राशि वालों। तो सेहत के दृष्टिकोण से शनि केतु गुरु जब 12वें घर में जाते हैं तो आपको क्या दिक्कत रह सकती है कि जॉइंट्स पेन की दिक्कत रह सकती है, जिनको आर्थराइटिस की दिक्कत है वो बढ़ सकती है उस समय, या लीवर में कोई इन्फेक्शन, पेट संबंधी रोग इस समय यहाँ पर गुरुदेव परेशानी आपको दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अपने खान पान पर भी कंट्रोल करना है, जरा सी भी कोई सी भी समस्या होती है उसका तुरंत आप मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए, अन्यथा यहाँ पर ये गलती आपको बड़ी महंगी पड़ सकती है। कुल मिलाकर अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना है मकर राशि वालों। बिल्कुल, और कहते हैं ना ज्योतिष की माने, मतलब ज्योतिषी की माने तो फिर ग्रहों का हमारी जिंदगी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, और इसी प्रभाव को कम करने के लिए कहते हैं कि राजा से रंग और रंग से राजा बन जाता है इंसान, और ऐसे में कई लोग नग धारण करते हैं और कई उपाय करते हैं। और अब जो कि खुद गुरु बृहस्पति देव, जो कि ग्रहों में सबसे उच्च माने जाते हैं, शुभ ग्रह माने जाते हैं, जब वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि सीधा वृश्चिक से धनु में जा रहे हैं, तो ऐसे में उनके राशि परिवर्तन करने से अब मकर राशि वालों के रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए मकर राशि वालों के जो रिश्ते हैं इस समय अगर हम देखें कुंडली में, इनका गुरु जो है वो 12वें घर में चले जाएंगे, तो देखिए वहाँ पर शनि भी हैं, केतु भी हैं, तो लग्नेश भी 12वें घर में है और कुंडली में स्थिति थोड़ा सा इनके लिए विकट है, लेकिन इनको यहाँ सावधानी बरतनी चाहिए। रिश्ते जो है उनको सोच समझ कर नाप तोल कर चलें, रिश्तों में उतार चढ़ाव इस समय बना रह सकता है जैसे पिछले कुछ समय पर भी था, तो आपको रिश्ते संभाल कर चलने हैं इस समय,
बिगड़ने नहीं देने। अगर आप परिवार के मुखिया हैं तो खासकर आपकी जिम्मेदारी ये बनती है आप परिवार को एकजुट होकर चलें, क्योंकि इस समय गृह स्थिति बता रही है घर परिवार में कोई वाद विवाद या कलह हो सकता है, इससे पारिवारिक स्थिति जो ठीक नहीं रहेगी। परिवार में किसी में आपस में एक दूसरे के साथ मनमुटाव हो सकता है या पिता पुत्र में मतभेद हो सकता है, तो आपको संबंध बनाकर चलने हैं, रिलेशन खराब नहीं करने हैं, चाहे ये जीवन साथी के साथ हो, चाहे प्रेमिका के साथ हो, चाहे पिता या पुत्र हैं आप जो भी हैं या आप मदर हैं, तो आपको संभल कर रिश्तों को अहमियत देनी है, संभल कर रिश्तों को साथ लेकर चलना है, फिर कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी। अपनी तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि रिश्ते या संबंध कोई ख़राब हो, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ आप ध्यान रखते हैं तो समय आपका अच्छा रहेगा, कोई बड़ी परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में या घर परिवार में फिर दिक्कत नहीं आने वाली है। कोई भी वाद विवाद अगर चल रहा है तो उसको सुलझा लीजिए, क्योंकि ये विवाद अगर बढ़ता चला जाएगा इसमें पूरे परिवार का ही नुकसान होगा या आपका आपके जीवन साथी के साथ मतभेद बढ़ते चले जाएंगे, तो इस वाद विवाद को आप आराम से बैठकर सुलझाइए और वो सुलझ भी जाएगा इस समय। यानी कि ये समझा जा सकता है कि गुरु के राशि परिवर्तन के दौरान आपको अपने रिश्ते संभाल कर रखने पड़ेंगे। और अब बारी आती है आपके कार्य क्षेत्र की। जी हाँ, नौकरी पेशा वाले और कहें कि कारोबारियों के लिए गुरु बृहस्पति देव का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए ये भी जान लेते हैं। जी देखिए, इस समय अगर धनु अगर मकर राशि वाले अगर इस समय नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो अभी उनको सावधान करना चाहेंगे और सलाह भी देना चाहेंगे कि अभी नौकरी ना बदलिए आप, क्योंकि ये समय इतना बेहतर नहीं है परिवर्तन करने के लिए। आप जो नौकरी चेंज करेंगे वहाँ पर स्थिति यहाँ से भी बदतर हो जाएगी, तो इसलिए इस समय नौकरी परिवर्तन से बचिए। जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर अपने सहकर्मियों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ रिलेशन बना कर रखें, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि केतु और गुरु का योग 12वें घर में जो है ये कोई बड़ा बेनिफिट इस समय आपको नहीं कराएगा। आपको इंतज़ार करना होगा शनि के राशि परिवर्तन करने का, जो कि 24 जनवरी 2020 को होगा। उसके बाद की स्थिति शनि आपको बचा सकते हैं और काफ़ी बढ़िया तरक्की देंगे, लेकिन जो वर्तमान में गुरु की स्थिति, गुरु 12वें घर में चले गए खर्च के घर में, जो दिखा रही है कि व्यर्थ का वाद विवाद और खर्च इस समय बढ़ा रह सकता है जी। तो आपको ये संभल कर चलना है। ऑफिस में भी, दफ्तर में भी आपको अपने संबंधों को सुधारना है, अपनी तरफ से कोई बिगाड़ने का प्रयास नहीं करना है, अपने काम को बेहतरी से अंजाम देना है, कोई लापरवाही नहीं बरतनी है, अन्यथा इस समय आपका कई लोगों का डिमोशन भी हो सकता है, खासकर जिनकी दशा अंतरदशा खराब चल रही है जी। क्योंकि इस समय शनि की साढ़सती आपके लिए ये शुभ नहीं है, 12वें घर में शनि है तो शनि की साढ़सती भी आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है। तो कुल मिलाकर ये समय आपको सावधानी करना है। जो व्यापारी है उसको इस समय ज्यादा लाभ होने के संकेत नजर कम आ रहे हैं कविता। और इससे जुड़ा मेरा एक सवाल ये भी है कि जो आपने बताया कि 24 जनवरी 2020 तक संभल के रहना चाहिए, क्या उससे पहले व्यापारी वर्ग को या फिर कहें कि कारोबारियों को निवेश, कोई बड़ा निवेश उन्हें करना चाहिए नहीं करना चाहिए अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए? देखिए, इस समय निवेश से फिलहाल बचना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंड ना करें तो अच्छा है। आप अभी बिजनेस को निवेश करेंगे तो जनवरी के बाद करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उस समय निवेश करके फाइनेंशियल गेंस भी आप ले सकते हैं, तो इसलिए अभी आपको भी परिवर्तन से बचना चाहिए। व्यवसायियों को भी, जो व्यापारी हैं वो जैसा काम कर रहे हैं वैसा ही इनको करते रहना चाहिए। हो सकता है कि इस समय उतना लाभ ना मिले जितना आप उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा। और शो के अंत में हम आपको कुछ उपाय बताएंगे, अगर वो आप करते हैं तो बृहस्पति के अशुभ प्रभाव की जगह शुभ प्रभाव आपको मिलने लगेंगे। लेकिन इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट हमारा कर्म भी होता है। जब हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा होता है तो हमें मेहनत तो खूब करनी चाहिए, खासकर नौकरी पेशा लोगों के, लेकिन व्यापारी वर्ग को उस समय थोड़ा संभल कर चलना होता है। क्योंकि व्यापारी क्या करता है कविता, की मेहनत बहुत करता है व्यापारी, लेकिन जब उसको परिणाम शुभ नहीं मिलते तो वो कहीं ना कहीं निराशा के भाव पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर थोड़ा संयम बरतना है, एक अच्छे समय का वेट करना है, जैसे ही समय बेहतर आएगा तो आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी और काफी बेनिफिट भी आपको मिलेंगे व्यापार में। चलिए, तो हमने जान लिया आपके स्वास्थ्य पर गुरु बृहस्पति देव जी का क्या प्रभाव रहेगा, आपके नौकरी व्यापार पर, नौकरी व्यापार आपका कैसा रहेगा। तो इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे कि छात्र भाई की उनकी परीक्षा कैसे रहने वाली है, या जो लोग इस समय कंपटीशन लड़ने जा रहे हैं। तो देखिए, स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहेंगे कि इस समय आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स अगर थोड़ा सा लापरवाही करेंगे तो मार्क्स बड़े कम आ सकते हैं या आपका ग्रेड डाउन हो सकता है। तो आपको अच्छे ग्रेड लाने के लिए आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, अच्छी मेहनत करनी है। अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि अभी आपको जनवरी तक उसमें बड़ी सफलता ना मिले या फिर आपको निराशा के का भी सामना करना पड़ सकता है, असफलता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप हताश ना होइए।
क्योंकि जनवरी के बाद ये शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय आएगा और जो किसी कंपटीशन की तैयारी करें, जिनका इंटरव्यू है, वो भी आगे समय आपका बढ़िया रहेगा। और जो छात्र छात्राएं विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, वो अभी से इस समय जा सकते हैं। उनकी कुंडली में बहुत अच्छा भाव चल रहा है। 12वें घर में जब गुरु चलते हैं, तो क्योंकि गुरु ज्ञान के और एजुकेशन के कारक हैं, तो आपको विदेश भेज सकते हैं पढ़ाई के लिए। तो ये समय विदेश जाने के लिए छात्र छात्राओं के लिए बहुत अच्छा है। जो कि 24 जनवरी 2020 से पहले पहले तक, यानी या फिर यूँ कहें कि 24 जनवरी 2020 तक, खासकर मकर राशि वालों को थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि उन पर कहीं ना कहीं गुरु के राशि परिवर्तन से उनको 50-50 कहें कि उसका उन्हें शुभ फल मिलेगा 50-50। और ऐसे में जाते जाते जान लेते हैं उपायों के बारे में। देखिए, मकर राशि वालों को इस समय कुछ ज़्यादा ही उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि केतु के 12वें घर में जाने से मैं आपको कुछ ज़्यादा उपाय, गुरु के अलावा कुछ और भी उपाय बताऊंगा। ये कुछ और ग्रह की जो समस्या चल रही है, वो भी उपाय हमारे दर्शक करें जिससे उनको बहुत फ़ायदा मिले। देखिए, यहाँ पर आपको एक उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो धन प्राप्ति का उपाय बहुत अच्छा है। शनिवार के दिन 5 बादाम शनि प्रतिमा पर शाम के समय चढ़ाएँ आप, लगातार 8 शनिवार, ये करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मकर राशि वालों। दूसरा क्या है कि आपको रोज़ सुबह नहाने के पश्चात गणेश जी की आराधना करनी है, जिससे आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आपके काम में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तीसरा उपाय क्या करना है, केसर का तिलक आपको रोज़ाना माथे पर लगाना है और केले के पेड़ जो है उसकी पूजा करनी है। केले की जड़ को आप अपने अगर पर्स में रखते हैं, अपनी जेब में रखते हैं, पीले कपड़े में बांध कर, तो उसे विशेष लाभ मिलेगा और बड़ा फ़ायदा होगा आपको। जो कि गुरु बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन से उतने शुभ फल हालांकि मकर राशि वालों को नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसे में अपने गुरु को मजबूत बनाने के लिए आप इन उपायों को करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि अगर आपके भी आपकी कुंडली से संबंधित कोई सवाल हो, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई सवाल हो, या ज्योतिष से संबंधित कोई बात आप जानना चाहते हो, तो बेझिझक आप स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आपके हर सवाल का जवाब देंगे खुद मयंक शर्मा जी। और इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।